अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आपके घर में सब खैर होगा, सब खैरियत से होगा। आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले प्रोग्राम शुरू हो, मैं चाहूँगी कि आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। जुमे का दिन बहुत बड़ा दिन, बाबरकत दिन है, और इसी दिन की मुनासबत से हम यही कोशिश करते हैं कि अपने व्यूवर्स को जितना कुछ हो सके उतना लाइफ के बारे में, लाइफ के बैलेंसेस के बारे में बताएं। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारा जो ये सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ हुआ है कंपटीशन का, नात कंपटीशन का, इसमें यहाँ पे आज तीसरा लाइव ऑडिशन हम करने जा रहे हैं। और अब जो जुमा आएगा, इसके बाद अगला जुमा आखिरी जुमा है जिसमें हम लाइव ऑडिशंस करेंगे। उसके बाद जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, जितने भी हमने ऑडिशंस किए हैं, और ये आखिरी जुमा जो हम करेंगे जिसमें ये जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद वो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो आगे पूरे कॉम्पिटिशन्स में जो है हिस्सा लेंगे। टोटल कोई 24 बच्चे जो है वो बनेंगे, क्योंकि हमने 6-6 बच्चे हर कॉम्पिटिशन से, जो लाइव कॉम्पिटिशन के लिए हमने इस तरह ऑडिशन्स किए हैं उसमें 6-6 बच्चे जो हैं हमने सिलेक्ट किए हैं। आज भी कोई 6 बच्चे सिलेक्ट होंगे, और जब फाइनल 24 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे आज को मिला के और आगे अगले जुमे को मिला के, तो उसके बाद जब वह सिलसिला शुरू हो जाएगा तो उसमें, उस कॉम्पिटिशन में जो बच्चे जीतेंगे, लाइक जो पहला विनर होगा उसे दिया जाएगा 50,000 रुपये, और जो सेकंड विनर होगा उसे दिया जाएगा 20,000 रुपये, और जो थर्ड विनर होगा उसे दिया जाएगा 10,000 रुपये। ये आज जुमा है, और उसके बाद जो आखिरी जुमा, एक अगला जुमा जो है उसमें भी हम ऑडिशंस करेंगे। जो लोग रह गए हैं उनसे कहूँगी कि आप लोग अगले जुमे आ सकते हैं और आके अपना ऑडिशन जो है दे सकते हैं, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हो सकता है कि वो खुश नसीब आप हों जिनको बेस्ट नात खां का खिताब मिले। और इसके बाद जो अगला जुमा है, ये लास्ट में बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको पता हो कि अगला जुमा जो है वो लास्ट जुमा है जिसमें हम लास्ट ऑडिशन जो हैं अपने करेंगे, और 6 बच्चे फाइनल सेलेक्ट करेंगे। तो आपके पास टाइम है सिर्फ और सिर्फ अगले जुमे का, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे पास यहाँ पे आकर आराम से जो है अपने ऑडिशंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब प्रोग्राम का मैं बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगी। जुमे के बारे में मैं बता चुकी हूँ, हमेशा से एक बात ज़रूर कहती हूँ कि आज
अपने घर वालों को, स्पेशली जो मर्द हजरात हैं, उनको नमाज के लिए तैयार कीजिए, उनके कपड़े प्रेस कीजिए, उनको रवा दवा अपने नमाज के टाइम पे कीजिए। ये बहुत बेहतरी की तरफ रास्ता है कि अगर आप उस रास्ते पे चलेंगे तो आपके सारे काम वैसे ही आसान हो जाएंगे। एक वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद हम दोबारा अपना पूरा तरीके से ये प्रोग्राम जो है इसका आगाज़ करेंगे। रहिए मेरे साथ और फिर जजेस भी हमें ज्वाइन करेंगे। छोटा सा वक्फा।